जितनी तबाही ये पिछले 4 महीने में फेर सकते थे ना, इन्होंने फेरी है। प्रोग्राम्स बंद कर दिए, लोगों को निकाल दिया, लोग आगे प्रो बोनो काम कर रहे थे कि जी हमें शायद नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाए, नए कुछ कुछ नहीं हुआ। 4 महीने, 4 महीने के अंदर इन्होंने डिपार्टमेंट को वहां पहुंचाने की कोशिश की और ऑलमोस्ट पहुंचा दिया जहां 2018 में हमने शुरू किया था, वहां पे लेके जा रहे थे ये इसको। ये नहीं चाहते कि तालीम लोगों को मिले, ये लोगों को पढ़ा लिखा नहीं बनाना चाहते, ये चाहते हैं कि भेड़ बकरियों की तरह लोग रहें जिस तरह उन्होंने पहले उनको रखा था, ताकि उसी तरह अंधों की तरह लोग आवाम इनको वोट डालती रहे, ये चाहते हैं और ये कुछ नहीं चाहते। जब हम आए हैं अभी तो पिछले 2 हफ्ते के अंदर, पहले हफ्ते के अंदर ही सबसे पहले हमने 14,000 जो हमारे एजुकेटर्स हैं उनको रेगुलराइजेशन करने के लिए समरी उसकी निकाली। मुझे पता है सब फिक्र में है कि वो समरी किधर है। वो समरी इस वक्त लॉ डिपार्टमेंट के अंदर है और लॉ डिपार्टमेंट के बाद इंशाल्लाह ताला वो सीएम के पास होगी और हो जाएंगे 14,000 जो हमारे टीचर्स हैं, इंशाल्लाह ताला वो रेगुलराइज होंगे। दूसरी चीज़ जो हमने की फौरन, ये 3 चीज़ें हमने इकट्ठी की, 16,000 से ज़्यादा जॉब्स एजुकेटर्स की हमने निकाली टीचर्स के लिए। ये फर्स्ट फेज है, इसी तरह ये 3 फेजेस में होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि टीचर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त और ये 3 फेजेस में होगा। ये पहला फेज है और मुझे पता है सब पूछ रहे हैं कि जी ये PPSC के थ्रू है कि NTS के थ्रू है। ये NTS जैसा सिमिलर एग्जाम इंशाल्लाह ताला होगा जिसके थ्रू ये होगा और वहां से किया जाएगा। इसके बाद Grade 1 through Grade 4 उसकी हमने 11,000 से ज्यादा जॉब्स का उसकी भी समरी निकल चुकी है, जो 16,000 एजुकेटर्स की टीचर्स की है और 11,000 वाली दोनों जो हैं वो इस वक्त फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर है। वहां से होके इंशाल्लाह ताला दे विल बी विद द सीएम।